मैं हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ, मैं मुसलमान भाइयों के साथ बड़ा हुआ हूँ, इसी सोसाइटी में बड़ा हूँ। हमें आपको देख के कभी कोई डर नहीं लगा, प्यार लगा। हम जब तक गाँव में गलियों में रहते थे, हमारे जो बुजुर्ग थे शलवार कुर्ता और पजामा पहनते थे, वो प्योर हिंदू थे, डरते थे। जब हम शहरों में आए, आप लोगों के साथ बड़े हुए, आप मुसलमान भाइयों के साथ स्कूलों में शहरों में, तो वो हमारी जो मोहब्बतें थी बढ़ती गई, इख्तलाफात जो थे कम होते गए, क्योंकि लोगों ने हमें समझा, हमने लोगों को समझा। ये बात है 27 रमज़ान 2015 जियो का आमिर लगत साहब का प्रोग्राम था, उसमें अकलती बरादरी को हमें मधु किया गया था। तो वहाँ मैंने उलमा कराम से, काफ़ी बड़े उलमा कराम से, मैं कुछ चीफ गेस्ट भी था, कुछ हमारी बातें हुई, इसके अवसर मैंने एक सवाल किया। सवाल ये था मेरा कि इस पाकिस्तानी माशरे में, इस पाकिस्तानी सोसाइटी में, जहाँ पर इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इल्ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस सोसाइटी में लोग जो हैं हमें बदनाम क्यों करते हैं। मेरी लड़ाई शराब से इतनी नहीं है जितनी इस बात से इख्तलाफ है कि हमारे मुसलमान भाई जो हैं हमारी अकलतों के नाम पर, हमारी हिंदू कम्युनिटी के नाम पर हमें बदनाम क्यों किया जाता है। मैं जब छोटा था, स्कूल में था, तो हमारे स्कूलों में हमें कहा जाता रहे, तुम तो हिंदू हो, तुम लोग तो शराब पी सकते हो, तुम्हें तो इजाज़त है। लेकिन जब मैं गीता पढ़ता हूँ रोज़ सुबह को, तो मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया कहीं शराब लिखी हो। हमारे तो नशा भी मना है, हमारे तो गोश्त भी मना है, चिकन भी मना है, सब चीज़ें मना है। इंडिया में वो इलाका, वो सूबा जहाँ पर नरेंद्र मोदी पहली बार वज़ीर आला बन के आया, वो प्योर हिंदू इलाका है, गुजरात हमारे करीब में ही है, छठा के आगे। उस पूरे इलाके में पिछले 20 साल से शराब बंद है। जब जो मोदी साहब जो अपने इंडिया को हिंदू कंट्री बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, वहाँ जब शराब बंद है तो कहाँ लिखा, तो वहाँ के ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ पंडित नहीं थे, तो वहाँ नहीं खोलने थे उन्होंने शराब, वहाँ लिखा ही नहीं था। इसी तरह बिहार सूबा है, अभी पिछले 3 साल पहले वहाँ शराब पर पाबंदी हुई है, और वहाँ तमिलनाडु में काफ़ी सालों से पाबंदी है। तो यहाँ पाकिस्तान में हमें जो बदनाम किया गया, वो हुदूद आर्डिनेंस 1979 की 17 आर्टिकल, ये चीफ जस्टिस साहब से हमने हाईकोर्ट में बात भी की कि हमें बताया जाए कि कौन उलमा कराम थे जिन्होंने ये हुदूद आर्डिनेंस पास किया था अलग साहब के ज़माने में, और उन्होंने कौन सी गीता और बाइबल पढ़ी जिसमें लिखा था कि, पढ़ के उन्होंने बता दिया कि त्यौहार से 5 दिन पहले हम सब शराब पी सकते हैं, दिवाली से पहले, ईस्टर से पहले, क्रिसमस से पहले। तो मैंने चीफ जस्टिस साहब से कहा, सजा अधीक्षक साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें ये लगता है इस पाकिस्तानी माशरे में ये जो हदूद आड़ी नाइन से, इसको हमने चैलेंज भी किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हमने दरख्वास्त जमा करा दी है उसी हाईकोर्ट के ऑर्डर के आधे घंटे बाद। उसमें हमने कहा चीफ जस्टिस साहब से, ऐसा लगता है इस हदूद आर्डिनेंस की वजह से सिर्फ मुसलमान भाई हमारे हैं जो पाक साफ सुथरे हैं, बाकी अकलते जो हैं सब शराबी हैं, सब कबाबी हैं। उलमा से ये सवाल किया था कि हमें क्यों बदनाम किया जाता है, और दूसरा जब हमारा कौमी खजाना पाक साफ है, उस हलाल कौमी खजाने की कमाई के अंदर जब दूध की एक देग में 2 कतरे जहर के डाल दिए जाएँ तो पूरी देग जहरीली बन जाएगी, तो क्यों हमारे कौमी खजाने में ये हराम टैक्स जमा किया जाता है। आप लोग हलाल फूड की तो बात करते हैं, हलाल खाने की तो बात करते हैं, तो क्या हलाल टैक्स हराम टैक्स की बात नहीं होनी चाहिए। अगर शराब पर पाबंदी होती है तो उसमें सिर्फ एक ही बात से ख़त्म होगी कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उलमाए कराम अगर नहीं खड़े होंगे, या अगर हमारे मुसलमान भाई नहीं खड़े होंगे, इस चीज़ को रोकना है तो खड़ा होना पड़ेगा। जिस दिन ये हाईकोर्ट में केस चल रहा था, उस दिन 70-75 दुकानदार कोर्ट के अंदर खड़े थे, तकरीबन वो हिंदू बरादरी के लोग थे, वो मेरे रिश्तेदार हैं, एक एक मेरे रिश्तेदारों ने 10-10 करोड़ का नुकसान किया है। शायद मैं आज दिवाली भी सेलिब्रेट नहीं कर रहा, मजबूरी में बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे जहाँ भी इन्विटेशन दोस्तों के आए हुए हैं, मुझे पता जब मैं वहाँ जाऊँगा कोई ना कोई बदमजगी होगी, क्यों उनके हिसाब से उनके रोज़गार बंद हो गए, कोई अकाउंटेंट था, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर था, तो सब घरों में बैठे हैं। तो मुझे मेरे दोस्तों ने आज घर पर आए थे कहा कि वो तो हराम नहीं कमा रहे थे जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे या अकाउंटेंट थे, मैंने कहा नहीं वो भी हराम कमा रहे थे, क्यों कि दहशतगर्द की मदद करने वाला सहूलतकार कहलाता है, गलत काम को गलत कारोबार को सपोर्ट करने वाला सहूलतकार होता है। हाईकोर्ट में हिंदू कम्युनिटी से 70 दुकानदार एक तरफ थे, मैं अकेला एक तरफ हूँ। जो एक्साइज मिनिस्टर अभी वो मैं कश्मीर गांव का हूँ, वो मेरे रिश्तेदार हैं हूँ। अभी जो 44 अरब की उन्होंने बात की कि टैक्स के अंदर नुकसान होगा, हमने इसको सीएमए हाईकोर्ट में कल सुबह जमा कर रहे हैं कि 44 अरब रुपया हमें नहीं चाहिए ऐसा जो हमारे कौमी खजाने को हराम में बदल दें। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप सब लोग इसके लिए आगे आएँ, क्योंकि अगर आप लोग आगे नहीं आए, आप लोग कोर्ट से ना डरें, कोर्ट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको अपने हक और सच कहने के लिए बात मिलेगी, सोसाइटी बदलेगी। जिस तरह आप लोग
मस्जिदें बनाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो इस तरह ये भी नेक का एक काम है। लोगों को बदपरहेजी से, बेकारी से रोके, उनके बच्चों के घरों में हालतें बहुत बुरी होती हैं उनकी। और मैं देखता हूँ कि आजकल तो औरतें जो हैं क्लिफ्टन के इलाके में गाड़ियों में खड़ी होती हैं और वेटर उनको सर्विस दे रहे होते हैं, तो ये चीज़ सही नहीं, अच्छी नहीं है। और मैं आपको ये भी कहूँगा, पाकिस्तान उस वक्त तक दरपदर और परेशानियों की ये जो अफरत भी चलेगी जब तक यहाँ दो कानून चलेंगे, या शरीयत का कानून चलना चाहिए। क्यों, मैं इंडिया में घूम कर आया हूँ और छोटे छोटे कपड़े, छोटी छोटी आज़ादी हम पसंद नहीं करते। हम इस सोसाइटी में बड़े हुए हैं, ये माशरा बहुत अच्छा है जो पर्दे में औरत की इज्जत और एहतराम को पसंद करते हैं। तो आप एक तरफ अंग्रेजी कानून जो 1865 का बना हुआ है और एक तरफ शरीयत का कानून, शरीयत के कानून में सबके हुकूक हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि इसको जितने भी प्रोग्राम आप लोग करते हैं उस प्रोग्राम की जगह पर वकील आप लोग खड़े कर दें, कोर्टों के अंदर जुलूस निकालते हैं, 5-5 लाख लोगों को लेके जलसे करते हैं। मुझे लोग कहते हैं प्रोटेस्ट करें, जलसे करें, मैं मना करता हूँ दोस्तों को। जिस तरह चाइना ने बगैर लड़े हांगकांग लिया, तो हम भी बगैर लड़े अपने हकूक ले सकते हैं आप लोगों से मोहब्बत से, प्यार से। तो इसी तरह आप राइट बाइट जैसे वकील पैदा करें जो कोर्टों में आए, कोर्टों में दरखास्तें दें और उसके अंदर हक की बात करें। क्यों, रोड पे प्रोटेस्ट तो हो सकता है, सेक्रेटरी कुछ कर नहीं सकता, वो खुद करप्ट है, करप्शन के पीछे लगे हुए। तो आप लोग इस जद्दोजहद को जो आपके सलाम फाउंडेशन ने काम किया है, हम उसको सलाम पेश करते हैं। और आप राइट बाइट जैसे सलाम फाउंडेशन के अंदर वकीलों की एक पूरी पैनल्स बनाएं जो आपके इस्लामी कानून को और दूसरों के हकूक को आगे लाएं। शुक्रिया।